झुमर प्लीज मेरी पर्सनल फाइल्स देखने की कोई जरूरत नहीं है ओके मैं तो बस I'm sorry. अरे ब्रेन ट्यूमर तो अनेक बोरो टेंशन शमशेर भाई ने मुझे कहां बुलाया कर्मा पे नजर रखनी पड़ी कहीं और से पैसों का जुगाड़ कर लिया तो ये लोग कौन है आप लोगों को शमशेर भाई ने भेजा है ना पैसे लाओ ऐसा है बेटे जिनके पैसे एक ही दिन में चोरी हो जाते हैं ना वो दोबारा पैसे मांगने के लायक नहीं रहता शमशेर भाई ने प्रॉमिस किया था अच्छा तो कर्मा ने इन लोगों से पैसा लिया था देखो मुझे पैसों की जरूरत है मैं सही में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर दूंगा आई प्रॉमिस प्रॉमिस की औलाद 3 महीने का समय दिया है तुझे वापस पैसा लौटाने के लिए नहीं तो ना डांस कर पाएगा और ना डांस करने के लायक रहेगा समझे लल्ला अरे लल्ला तुम्हारे तो खून आ गया अब बोलो पैसा भेजेगा कि नहीं कह रहा हूँ कब देगा जानता है ना कुछ भी कर सकते पैसे के लिए अरे लल्ला गर्लफ्रेंड है तुम्हारी हाँ इसका मतलब 1,00,000 रुपए इसी छोरी के ऊपर तुमने उड़ा दिया क्यों ए ज्यादा बकवास मत करो वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी कम ऑन लेट्स गो लेट्स कॉल द पुलिस ओहो ये तो बहुत तेज है ए जा माफ किए तेरे सारे पैसे इसे हमारे पास छोड़ दे रहोगी ना हमारे पास रहोगी ना ए चला बहुत मजा आएंगे ओए क्या बोला तूने ए नफानी चाहिए अभी तो सुन 1,00,000 तो लेकर शमशेर भाई को पता चल जाएगा तो नोटा हो जाएगा चलो करना
थैंक यू, तुमने तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हें नहीं, उनको बचाया था। हाँ? पता नहीं गुस्से में क्या क्या कर डालती। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें बचाने का, लेकिन उन गुंडों के हाथों में तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। लिसन, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी। वो मैंने मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देख ली थी। I'm sorry। कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठने आई थी। वो मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ ली थी। देखो इशिका, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इफ यू डोंट माइंड प्लीज जस्ट। लेकिन क्यों? क्योंकि इशिका, मुझे लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? वो तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है तो तुम्हारा डांस? हाँ
झांसी तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से मुझे इतनी खुशी मिलती है। जब मैं डांस करता हूँ ना, थोड़े टाइम के लिए ना सब कुछ भूल जाता हूँ, सब कुछ, कुछ याद नहीं रहता मुझे, द पेन, द सैडनेस, नथिंग, कुछ याद नहीं रहता मुझे, कुछ याद नहीं रहता। डांस की एक अलग ही दुनिया है, डांस मेरा सिर्फ पैशन ही है। एस्केप भी है इस वर्ल्ड से, इस वर्ल्ड से। तुम्हें नहीं लगता, इशिका तुम हर बार कहती हो ना कि मैं क्यों हाथ धो के पीछे पड़ा। इसलिए इशिका, क्योंकि लाइफ में टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इतनी सारी चीजें करने के लिए, तो क्यों ना हम लोग वो चीजें करें जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है इशिका। खूबसूरत लग रही थी तुम मुझसे, जैसे किसी की परवाह ही ना हो, इतना ब्यूटीफुल मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं। सॉरी राघव, मुझे अगर पहले पता होता तो क्या, पहले सॉरी बोल देती। I'm extremely sorry. मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। शिखा, तुम मुझे नहीं खुद को हर्ट कर रही हो डांस ना करके। और अगर सॉरी ही बोलना है ना, तो कल सुबह सेंट लुई एकेडमी में मैं एडमिशन ले लू, समझ लेना ये मेरी आखिरी विश। शर्मा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर ये तुम्हारे पैसों के बारे में है। वो एक्चुअली मैंने तुम्हारे पैसे चुराए थे। What? मेरे पैसे मत, तुमने चोरी की? Well, नहीं, अगर चुराए होती तो बताते नहीं। मेरे पूरे इंटेंशंस थे तुम्हारे पैसे वापस करने की, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। Just cut it out. तुमने मेरे पैसे चोरी किए ताकि मुझे एडमिशन ना मिले, राइट? रॉन्ग। मैंने जो भी किया इसलिए किया ताकि तुम अपने वर्ड्स पर वापस ना जाओ। एक बार डीजे एकेडमी ज्वाइन कर ली और पैसे अरेंज होने पर तुमने छोड़ दिया।
You backed out? How unethical. Ethics और moral science मुझे मत सिखाओ. अभी के अभी पैसे दो वरना मैं कंप्लेन कर दूंगा. प्लीज केजी के बच्चे हो तुम क्या जो बात बात में कंप्लेन करते रहते हो. अपना स्टूपिड फेक एटीट्यूड अपने पास रखो. मुझे अभी अपने पैसे चाहिए. हाँ हाँ मेरे पास ही है. कहीं भागने रही हो तुम्हारे पैसे लेकर. अभी लाती हूँ. आई डोंट ट्रस्ट यू. मैं तुम्हारे साथ आने वाला हूँ. गर्ल्स लॉकर रूम में. जब बॉयज लॉकर रूम में मेरे पैसे चुराने गई थी तो क्या दाढ़ी मूछ लगा के गई थी. यू ब्लडी मोरन. यू ब्लडी थीफ. अगर असली लॉकर रूम में नहीं जाना वो पुलिस वाला तो चुपचाप गर्ल्स लॉकर रूम में चलो. बहुत जल्दी है ना तुम्हें गर्ल्स लॉकर रूम में जाने की. नॉट डेस्परेट लाइक यू. मैं बाहर रुकूंगा. शिका तुम मुझे नहीं खुद को हर्ट करिए डांस ना करके. और अगर सॉरी ही बोलना है ना तो कल सुबह सेंट लुई एकेडमी में एडमिशन ले लो. समझ लेना ये मेरी आखिरी मिशन. तुम कोई भी विश मांग सकते हो. फिर ये विश क्यों कि मैं डांस सीखूं. क्योंकि मैं इस ब्यूटीफुल इशिका को और ब्यूटीफुल देखना चाहता हूं. फ्लर्ट नहीं कर रहा हूं जेन्यूनली कह रहा हूं. पता है मैं हमेशा से सोचती थी कि तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है. बस मौज मस्ती प्रैंक फ्लर्टिंग करना यही सब आता है तुम्हें. क्या करूं इशिक पहली लाइफ इतनी सीरियस कंडीशन में. और अगर मैं भी सीरियस हो गया तो ट्यूमर ब्रेन के साथ साथ बाकी सभी जगह. अरे बाबा शुभ शुभ बोलो. का टाइम हो गया चले. हाँ राघव राघव मैं तुम्हारी विश पूरी करना चाहती हूँ. कौन सी विश. मैं सेंट लुई डांस एकेडमी ज्वाइन करना चाहती हूँ. सच आप देख रहे मेरे ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट्स कैसे क्लियर हो जाते हैं. सॉरी आई मीन इतना खुश हो गया हूँ कि लगता है कि जीने की उम्मीद है. हाँ तुम जरूर ठीक हो जाओगे. चले फाइनली आई डिड इट.
करमा पूरे धुए। वाओ व्हाट अ मास्टर प्लान। पहले कुछ चोरी करती हो, फिर ड्रामा करती हो कि जो तुमने चोरी की है वो ही चोरी हो गया। तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? एक्सक्यूज मी, तुमसे ज्यादा टेंस मैं हूं। अगर मुझे सब करना होता ना तो मैं तुम्हें कभी बताते नहीं कि तुम्हारे पैसे मेरे पास है। एग्जैक्टली ये रिवर्स साइकोलॉजी मैं समझ सकता हूँ। ये पहले आके तुम मुझे बता दो कि तुमने चोरी की ताकि मैं तुम्हें ब्लेम ना कर सकूं। फिर ये सब ड्रामा करके ये प्रूव कर दो कि तुम ही इनोसेंट हो। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ यू नो। अशेम्ड होंगे मेरे दुश्मन, जितना दिन की ही नहीं तो मैं शर्मिंदा क्यों हूं? एग्जैक्टली हाउ आई एक्सपेक्टेड। बट डोंट वरी, अवंतिका मैम ने कहा है कि पुलिस आती ही होगी और वो सीसीटीवी के सारे फुटेज रेडी रखेंगे। फिर चोर कौन है वो पूरे कॉलेज को पता चल जाए। हाँ मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरे लॉकर से किसने चोरी की है। लिसन आई डोंट केयर, आई नीड माई मनी राइट नाउ। तुम अपनी गलती मानो या ना मानो मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। इसके बिना मैं तुम्हें कॉलेज से बाहर नहीं जाने दूंगा। कहता है तुम्हारे पैसे वापस करने के लिए ना मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम मेरे पास भी नहीं है। एडमिशन की डेट तो निकल चुकी है। एनीवेज मुझे अपने पैसे चाहिए आज ही। और हाँ बाय द वे, अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है? नहीं नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं पता। सब कुछ तो तुम्हें पता है ना, तो बताओ क्या होगा? तुम्हारा नाम सेंट लुई डांस एकेडमी की लिस्ट में नहीं था पर सेंट लुई के सस्पेंडेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में जरूर होगा। मेरे लॉकर से पैसे कहाँ गए? बॉस कौन बिलीव करेगा मेरा? और सीसीटीवी पर अगर मेरी फुटेज आ गई फिर माँ के लॉकर से पैसे निकालते हुए तो सबके सामने कितनी इंसल्ट होगी मेरी। मैं भूल कैसे जा सकती हूँ कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है। डैम सब लोग मुझे गलत समझेंगे। या अल्लाह खैर करें, सिर्फ अम्मी मेरा यकीन करेंगी। उन्हें कॉल करके बताऊं क्या? विष्णु को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो विष्णु। आशिका मुझे तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हाँ हाँ बताओ मुझे। वो मैंने सेंट लुई डांस एकेडमी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। That's great. I'm so happy. Well, thank God कि तुम्हें मेरी बातों का कुछ तो असर पड़ा। हाँ और राघव की भी। राघव? उसी ने तो मुझे समझाया है और एकदम सही समझाया कि जिंदगी बहुत ही छोटी होती है और इसी छोटी सी जिंदगी में हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम वही काम करें जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हम खुश होते हैं। उसने बोला और तुमने मान लिया। हाँ सही तो कहा उसने, बस मैंने ही समझने में देर कर दी। हेलो हेलो विष्णु। हाँ हाँ ऐशिका बोलो। तुम सच में ये करना चाहती हो ना? हाँ पर क्या हुआ विष्णु? फीस डिपॉजिट करनी है और थोड़ी ज्यादा है। तुम टेंशन मत लो, बाबा है ना तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम करेंगे। अब क्या हुआ? हाँ पर ये सब मुझे कहाँ आता है? बैंक वैंक
पैसों की बातें मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आती। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं बैंक से पैसे निकाल कर ले आऊंगा और शाम को तुम्हें दे दूंगा। कल तुम एक काम करना, उस ऑफिस में दे देना। पर विष्णु आज ही लास्ट है, प्लीज आज ही डिपॉजिट कर ले। तुम प्लीज किसी के साथ पैसे भेज सकते हो प्लीज? अच्छा ठीक है, मैं आज किसी को भेजता हूँ। विष्णु मैं सोच रही थी कि डांस के लिए इतने सारे पैसे। उफ़ो इशी। विष्णु तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। अब विष्णु मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। इशी इसे क्या हो गया? ये पुलिस यहाँ कॉलेज में क्या कर रही है? इट्स वेरी शेमफुल इंस्पेक्टर, आई मीन इतना रेप्यूटेड कॉलेज और चोरी। इनफैक्ट ये दूसरी बार है जो चोरी हुई है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लॉकर रूम्स में से। डोंट वरी, मैं मामले की पूरी तहकीकात करूंगा। चव्हाण तुम इन सारे लॉकर की अच्छे से तलाशी लो और जिन जिन बॉयज स्टूडेंट के सामान चोरी हुआ है उन सबके बयान दर्ज करो। यार ये नए लोग कुछ ज्यादा हैपिंग है यार। अभी टैपिंग नहीं टैपनिंग। हैपनिंग? अबे हाँ वही टैपनिंग। इनके हैपनिंग? अरे हाँ, अरे ये इंडा इनके आने से रोज कोई ना कोई कारनामा हो रहा है। Excuse me. सीसीटीवी फुटेज आपके पास है? सीसीटीवी फुटेज तो है लेकिन लॉकर रूम की नहीं है, बाहर कॉरिडोर की है। आप अंदर नहीं जा सकते? पर मेरा वॉलेट अंदर है। आपका जो भी सामान है बाद में ले लेना। या अल्लाह एक बार फिर से ढूंढ लेती, कहीं पैसे यहाँ वहाँ तो नहीं रख दिए। अब तो पुलिस भी यहाँ आ गई है और ये तो सीसीटीवी फुटेज चेक करने की बात कर रहे हैं।